आपत्ति भी आती है कि क्या इस प्रकार से अपने माता पिता को छोड़कर इस प्रकार से फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना क्या सही है? माता पिता की सेवा छोड़ देना क्या ये सही है? सही है ये? गलत है ये? गलत है ये? माता पिता की सेवा करनी चाहिए जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया। ये क्या है, अपने सर मुड़ा करके आप यहां बने? अरे घर में लाल जोड़े में किसी को लेकर क्या, तुमने खुद ही लाल जोड़ा पहन लिया है? अरे किसी के हाथ पीले करो, तुमने खुद ही कपड़े पीले कर लिए अपने? क्या है, अनुचित है ये? अच्छा अनुचित है ये। जितनी माताएं हैं सब शादी करके घर छोड़ करके ससुराल जाती हैं। बाबुल की दुआएं, इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो समाज की रीत है, लड़की को पराए घर तो जाना ही पड़ता है, इसमें कुछ गलत नहीं है जी। जा बेटी, तेरे को हमने MBA कराया, तेरे पे बहुत सारा पैसा लगाया, तू दहेज भी लेके जा और शादी भी कम से कम 15 लाख तो लगी ना, कोई फार्म हाउस में शादी कराई तेरी, बेटा जा बेटा। कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं। तो समाज की रीत है ये, कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च के शादी तो बनती है। और आजकल जैसे लड़कों का हाल बुरा है तो तलाक भी जल्दी होता है, तो दोबारा शादी करनी भी बनती है। माता पिता को छोड़ना तो बनता ही, समाज की रीत है। ओ अच्छा अच्छा, ये लड़के वगैरह है, अब देखो जितने अब जॉब करते हैं, जॉब्स कहाँ पर हैं? जॉब्स हैं मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बैंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ये कोलकाता के अंदर, ये मेन मेन जगह है जहाँ जॉब्स होती हैं। अब गोरखपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर के प्लांट लगे वहाँ पर? तो बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके बाद फिर माँ बाप को पैरी पढ़ा, मैं जा रहा हूँ, मेरा करियर है, मेरे को अब वो लोग आयरलैंड भेज रहे हैं, अब मैं फ्रांस में वहाँ पर बाकी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, फिर वहाँ फिरंगी से शादी करके वहीं बच जाऊँगा, लेकिन आपको हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली जरूर बोलूंगा। तो क्या ये गलत है? नहीं जी नहीं। करियर के लिए आगे बढ़ना होता है, प्रगतिशील होना होता है, माता पिता को छोड़ना होता है, that's okay. अच्छा ये भी ओके है। अच्छा कभी कभी होता है, मैरिज में होता है, वाइफ बोल देती है यू नो कम ऑन यार, ये घर में बूढ़े बूढ़े चे लोग हमेशा कचर कचर कचर, यू नीड सम प्राइवेसी, यू नो यू वांट टू एंजॉय लाइफ, क्या ये मतलब ऐसे साथ में रहेंगे तेरी हमेशा? बेटे उठ जा, बेटे सो जा, रात को मैं नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख रही होती हूँ और यहाँ करके टोका टाकी करते, सारी पिक्चर का मजा खराब हो जाती है ना। कैन यू हैव सेपरेट अकोमोडेशन प्लीज आकाश, इफ यू रियल लव मी प्लीज। श्योर मोनिका डार्लिंग, ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार से पत्नी के कहने पे माता पिता को छोड़ देना क्या है, गलत है? नहीं, गृहस्थी भी तो देखनी है जी, घर भी तो देखना है, पत्नी का मन भी तो देखना है। अब ठीक है बीच में कभी कभी होली दिवाली पे आ जाए, पहुंच हुए और अनार और फुलझड़ी लाए, इट्स ओके। क्या ये गलत है? नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी सही है, ओके ये भी सही है। अच्छा भगत सिंह जी ने जी वो शादी नहीं की, पिंड की सबसे सुंदर लड़की चुनी थी माता पिता ने, पर देश के लिए वो लड़े और अपना घर नहीं बसाया, माता पिता से दूर रहे, ये गलत है? बिल्कुल नहीं। देश की सेवा के लिए माता पिता से दूर जाना गलत नहीं है, एक ऊंचे कारण की वजह से अगर आपने माता पिता से दूर गए ये गलत नहीं है। देश के लिए गए भगत सिंह जी, इसलिए ये भी गलत नहीं है। अच्छा ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। अच्छा 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 सर, ये कभी कभी हरे कृष्णा में ना भगवद गीता का प्रचार वगैरह करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन फैलाने के लिए कुछ फुल टाइम ब्रह्मचारी अगर को बन जाए तो? ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने। आप माता पिता की सेवा करो ना, क्यों नहीं करते आप? सब माता पिता की सेवा करो। ये सर वो पिछले वाले सारे वो सब सही है, वो सब सही होता है वो, लेकिन ये गलत होता है। क्यों जी, ये क्यों गलत होता है जी? बाकी सारे सही, तो पार्शलिटी है, तो पार्शलिटी होगी, बाकी जो करें जो दूर रहना चाहे माता पिता वृद्धाश्रम भेजे कोई समस्या नहीं। अरे नो प्रॉब्लम, क्या नहीं उसकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, हु आर वी टू कमेंट। पर अगर वो ब्रह्मचारी बन जाए तो फिर ये देखो, अगर जब तक वो गृहस्थ जीवन जिएगा नहीं, जब तक वो अनुभव लेगा नहीं, कैसे उसका उद्धार होगा? तो गृहस्थ जीवन में भले ही उधार भी जी ले वो, दैट इज ओके। ये ब्रह्मचारी था, उसके माता पिता बड़े दुखी थे, क्यों तू ज्वाइन कर लिया ऐसे? वो कथा में आ गए थे, ये मनाने के लिए आते, बच्चे को कथा के बाद लेके जाएंगे, कहते बेटे को लेके जाएंगे जी, कोई नहीं तो कथा सुन ले बेटा, इसके बाद लेके जाएंगे।
कथावाचक ने बोला अगर कोई अपना जीवन कृष्ण को देता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उसकी। वो सुन लिया माता पिता ने, कहते बेटा कंटिन्यू। होना नहीं लगे रहो, लेकिन आप तो लेने आए थे। कहता बस हम विदा करने आए थे। ऑल द बेस्ट। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम, देखो वैसे तो बहुत कम विरले होते हैं, ये ग्लैमर की दुनिया में कहाँ कोई ज्वाइन करता होगा इतना ग्लैमर चारों ओर। अगर किसी का थोड़ा हल्का फुल्का रिजॉल्व होगा भी ना, वो भी डाइल्यूट कर देता है ये ग्लैमर। लेकिन आप कुछ ऐसे विरले होंगे जो कि फुल टाइम आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आएंगे। यस, तो देश के अंदर हालांकि जैसे BSF के नौजवान माइनॉरिटी में होते हैं, 99.99% तो लोग सिविलियंस ही हैं, उसी तरह से 99.99% लोग तो कलयुग में गृहस्थ ही रहेंगे। लेकिन 0.01% कुछ BSF के नौजवान भी चाहिए ना, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स BSF। तो इसे भक्ति सिक्योरिटी फोर्स से कुछ लोग हमें चाहिए, फुल टाइमर्स, यस, डेडिकेटेड, तन से मन से। अब धन तो उन्होंने कहा छोड़ दिया, बुरा पर अकिंचन वित्ताय कृष्ण, जो अकिंचन है उनके वित्त है, उनका धन है कृष्ण। तो कुछ ऐसे भक्त भी निश्चित रूप से चाहिए होंगे, यस। और ऐसे लोग हमने देखा है क्वालिटी में, जो रियली सब्सटेंशियल ब्रह्मचारी दिस सी सो मच इन इस्कॉन एक्चुअली। और साधु समाज की इज्जत अगर बढ़ाई है तो इस्कॉन ने बढ़ाई है। पहले गेरवे का पड़ेगा मतलब या तो चमड़ी से प्यार या दमड़ी से प्यार, साधु मतलब भाई। लेकिन आज हम देखते हैं साधु समाज की इज्जत बढ़ी है तो इस्कॉन में साधुओं का बहुत बड़ा इसमें हाथ है निश्चित रूप से। ये लोग जानते हैं यस साधु मीन्स इस्कॉन की जो डिवोटीज है ना, जो ब्रह्मचारी है, दे आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। हम जब कभी जाते हैं किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने के लिए, किसी नेता से मिलने के लिए, 90% केसेस में वी आर कॉल्ड आउट ऑफ द क्यू, मतलब क्यू में हमारे पहले और भी लोग हैं। पर अगर अंदर खोया जाती है इस्कॉन से कुछ हरे कृष्णा डिवोटीज आए उनको पहले भेजो, एंड देन वी आर कॉल्ड आउट ऑफ द क्यू। दिस शोज दैट साधु समाज की इज्जत अभी भी है और बढ़ रही है, बढ़ रही है। इनफैक्ट गृहस्थ डिवोटीज का देखना, धोती कुर्ता पहन के अगर गृहस्थ डिवोटीज बाहर रहते हैं, ये देखिए भी लोगों को प्रणाम होते, कहते हैं ये आप ऐसे ही रहते हैं, अब कहाँ काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे। तो इस तरह से साधु समाज की इमेज अच्छी होती है, व्हेन वी वियर साधु वेश। अगर वहां जितने गृहस्थ डिवोटीज थे ऑल वियर धोती कुर्ता ओनली, शॉपिंग करने जाए धोती कुर्ता पहन के जाए, लेट्स चेंज द ट्रेंड। ये पैंट शर्ट जीन्स इसको निकाल दें हम लोग, लोगों के जीन्स में जो घुसी पड़ी है ना जीन्स, वहां धोती कुर्ता डालने का है। तो इसीलिए धोती कुर्ता पहन के साधु, यस, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, यस। तो इसीलिए इस प्रकार से वी शुड नो दैट हमें सुन करके सीखना चाहिए। देखिए सुन के सीखने के बाद ना लोग अनुभव से जल्दी सीख लेते हैं, अगर कभी अनुभव भी करना पड़ता है व्यक्ति जल्दी यू टर्न मार लेता है। ये अनुभव की जो दुनिया है ना बड़ी गहरी बड़ी विशाल दुनिया है ये, तो इसलिए उसके उस चक्कर में रहे अगर तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि हम अनुभव से सीखेंगे। सो वी शुड अल्टीमेटली ट्राई टू बिकम वेरी गुड ब्रह्मचारी। सो एवरी गृहस्था शुड ऑल्सो प्लान वन प्लस आश्रम, क्योंकि जो यहाँ अच्छे ब्रह्मचारी रहते हैं इस जगत के अंदर उनको गोलोक वृंदावन में गृहस्थ बनने का मौका मिलता है, ट्रांसेंडेंटल गृहस्था। लेकिन यशोदा मैया नंद महाराज गृहस्था, नारद मुनि यहाँ पर है लेकिन वहां पर शिवास ठाकुर है गृहस्था। सो एवरीवन शुड एस्पायर टू बिकम अ वेरी गुड सॉलिड अनकॉम्प्रोमाइजिंग अव्यभिचारिणी भक्ति वाला ब्रह्मचारी। दोस्तों ब्रह्मचारी कॉन्टिन्यूस ब्रह्मचारी, दोस्तों गृहस्था वन डे प्लान फॉर वन पर्सन लाइफ, दैट मीन्स नो सेक्स लाइफ, ब्रह्मचारी जीवन, यस, ब्रह्मचारी जीवन रिविजिट, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ लाइफ। तो इस प्रकार से हम अच्छे ब्रह्मचारी रह करके भक्ति भजन में रहेंगे, देन बाय कृष्णास मर्सी वी गेट द चांस टू बिकम ट्रांसेंडेंटल गृहस्थास इन गोलोक वृंदावन। तो आपसे कौन कौन चाहता है ट्रांसेंडेंटल गृहस्थ बनना इन गोलोक वृंदावन? अरे वो तो फोकट में नहीं होता, कुछ करना पड़ता उसके लिए।